अर्शी खान ने मुंबई में लिया है नया घर। नया घर लेते ही उन्होंने किया है शुक्रिया अदा भाईजान सलमान खान का। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है उनको खूब सारे लोग शुक्रिया अदा करते हैं, पर खास शुक्रिया अदा किया है अर्शी खान ने। उन्होंने हाल ही में हुए इंटरव्यू में ये कहा है कि भाईजान सलमान खान जो है उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उसी के साथ साथ बिग बॉस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे मम्मी डैडी का। और उन्होंने कहा कि कल तक मैं रेंट पर रह रही थी, पर आज मेरा खुद का जो घर मैंने लिया है उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा घर चांद पर है। जी दोस्तों, उन्होंने उसके बाद फोटो शेयर की है सोशल मीडिया अकाउंट पर और दिख रहा है कि मोस्टली सारे जो इंटीरियर्स है वो वाइट कलर के हैं और अर्शी मानती है कि वाइट कलर से शांति यानी पीस घर में आता है और इसलिए वो अपने इंटीरियर्स को वाइट रखना चाहती है। अगर आपने तस्वीरें नहीं देखी है अर्शी के घर की तो देखिए और बताइए आपको कितना खूबसूरत लगा है अर्शी का घर। और अर्शी ने किया है भाईजान को शुक्रिया अदा। भाईजान का इस पर क्या कमेंट आने वाला है, आता है वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी नहीं रिलीज हो रही है 2 अप्रैल को। चलिए बताते हैं आपको कि इसके पीछे की वजह क्या है, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी अब नहीं रिलीज होगी 2 अप्रैल को, क्योंकि राज्यों में हालांकि देश में इतना बड़ा संकट चल रहा है कोरोना का, और कोरोना के चलते अब फिर एक बार थिएटर्स जो है वो फुल ऑक्यूपेंसी के साथ नहीं चलने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर टिकटें नहीं बिकेंगी और फिल्म को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। और यही वजह है कि मेकर्स ने अब डिसाइड किया है कि फिल्म 2 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म जो है सूर्यवंशी वो बहुत ही बड़े बजट पर बनी गई है और अगर इसकी रिकवरी अच्छी तरीके से नहीं होगी तो फिर मेकर्स को बड़ा लॉस सहना पड़ेगा। इसी की वजह ये है कि फिल्म की जो रिलीज डेट है उसको आगे हो सकती है। और अब कब होगा रिलीज़ ये तो पता नहीं, पर जल्द ही हम आपको अपडेट्स लेके आएंगे। पर उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। उसी के साथ साथ आप हमें ये बताना ना भूले कि आप कितने एक्साइटेड हैं सूर्यवंशी इस फिल्म के लिए। शाहरुख खान को बचाने पहुंचेंगे सलमान खान फिल्म पठान में। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान दोनों भी एक साथ दिखने वाले हैं फिल्म पठान में। फिल्म पठान के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं, पर हाल ही में खबरें ये आ रही थी कि मुंबई में ही फिल्म शूट होने वाली है, क्योंकि पहले खबर ये थी कि फिल्म बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया शूट होने वाली थी। पर मैं आपको ये बता दूं कि अब इनसाइडर सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि फिल्म यहीं पर YRF स्टूडियोज़ में ही शूट होने वाली है, पर जो सीन है वो रशिया का है और पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन पर शूट होने वाला है। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं दोस्तों मैं आपको कि इस शॉट में ये दिखाया जाने वाला है कि किस प्रकार से भाईजान सलमान खान का कैरेक्टर जो है टाइगर बचाने आने वाला है पठान को यानी शाहरुख खान को। दोस्तों आपको बता दूं इसी के साथ साथ कि जॉन अब्राहम और भाईजान सलमान खान का भी एक तरीके से फाइटिंग सीन होने वाला है जो शूट होने वाला है बुर्ज खलीफा पर। जी दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर एंड पर यानी ऊपरी हिस्से में, और ये फर्स्ट फिल्म होने वाली है जो बुर्ज खलीफा के अंदर शूट होने वाली है। आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में हमारे भाईजान सलमान खान जो है वो दिखाएंगे अपना मैजिक फिल्म पठान में। आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म पठान के लिए जो आने वाली है जनवरी 2022 में, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। कपिल शर्मा ने कई दफ़ा बात की थी फिल्म शेर खान की, पर अब ऐसे लग रहा है जैसे शेर खान ये मूवी थोड़ी थोड़ी
धुंधली सी हो गई है। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, आखिरकार वजह क्या है कि ये फिल्म अब बैक सीट पर क्यों चली गई है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों आपको बता दूं कि कपिल शर्मा बहुत बार ये मेंशन किया करते थे कि उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म साइन की है और सलमान खान लीड रोल में है, तो सोहेल खान जो है वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है स्क्रिप्ट से शेर खान के। शेर खान ये जो फिल्म है ये पूरी की पूरी जंगल एडवेंचर्स पर बेस्ड है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। पर जैसे हम सभी जानते हैं कि भाईजान सलमान खान ऑलरेडी फिल्म्स के साथ बिजी है, जैसे कि टाइगर 3 और अब उनकी फिल्म कभी कभी दिवाली, ये सारी फिल्मों की शूटिंग भी चल रही है उनकी। उसी के साथ साथ वो पठान में कैमियो भी करने जा रहे हैं। तो शेर खान ये जो फिल्म है ये थोड़ी सी बैक सीट पर चली गई है, पर अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं कपिल शर्मा को देखने के लिए भाईजान सलमान खान के साथ, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान के बारे में बॉबी देओल ने दिया है ये बड़ा बयान। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि बॉबी देओल जो है वो कई सालों के लिए लाइमलाइट से दूर रहे थे और उनका जो स्टार्डम है वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म होते हुए भी नज़र आ रहा था। पर भाईजान सलमान खान आए थे उनके रेस्क्यू के लिए और रेस 3 में उनको फिर एक बार उन्होंने वापस ले आए थे और एक तरीके का रीलॉन्च किया था उन्होंने बॉबी देओल को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बॉबी देओल ने सलमान खान के बारे में बात करते हुए ये कहा है कि जब मेरा बहुत ही बुरा फेस चल रहा था तो हम CCL यानी क्रिकेट लीग एक साथ खेलते थे और तब सलमान मेरे पास आकर के ये बोला था सलमान ने कि यार आपने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बना करके रखी है, ये दाढ़ी वाड़ी शेव कर लो और हम कुछ काम एक साथ करेंगे। तो जब रेस 3 के बारे में उनकी कास्टिंग चल रही थी तब सलमान खान ने बॉबी देओल को फ़ोन करके इतना ही पूछा था कि मामू शर्ट उतारेगा, तो उसके बाद से फिर बॉबी देओल ने अपनी बॉडी बनाई और फिर एक बार रेस 3 के बाद जो स्टार्डम मिला है बॉबी देओल को वो अलग ही लेवल का रहा है। तो बॉबी देओल ने ये कहा है कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपरस्टार है और सलमान खान का जितना बड़ा दिल है उतना बड़ा दिल और उतनी बड़ी स्टार्डम और किसी की नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान की फोटो है वो हो रही है बड़ी ही वायरल और वो फोटो है बिग बॉस सीजन 14 के एक कंटेस्टेंट के साथ। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है वो गए थे सोनाली फोगाट के घर रखे हुए हाउस पार्टी में। जी दोस्तों, हाउस पार्टी की ये फोटो है जहां पर भाईजान सलमान खान बहुत ही कैजुअली ड्रेस्ड दिख रहे हैं, ग्रे कलर का टी शर्ट पहना है और एक रिप्ड जीन्स पहनी है उन्होंने। वहीं पर सोनाली फोगाट ने एक व्हाइट कलर का जंप सूट पहना है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले राहुल वैद्य, दिशा परमार और सोनाली फोगाट की ये जो एक तस्वीर है वो बड़ी ही वायरल हो रही थी, जिसमें सोनाली ने सेम वही आउटफिट पहना था जो आउटफिट उन्होंने भाईजान सलमान खान के साथ पहना है। इस पार्टी में ना सिर्फ सोनाली गई थी बट बाकी भी लोगों ने ये पार्टी अटेंड की है। अब ये नहीं पता कि ये पार्टी भाईजान सलमान खान के घर पे थी या फिर सोनाली ने इस पार्टी को अरेंज किया था, क्योंकि इस पार्टी में नोरा फतेही ही दिख रही है सोनाली के साथ, लिलिया वंतूर दिख रही है। तो अब ये अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि कहाँ पर थी पार्टी। पर भाईजान सलमान खान बड़े ही अच्छे लग रहे थे कैजुअल्स में। आपको क्या कहना है भाईजान के लुक के बारे में, ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। दोस्तों आज वुमेन्स डे है और वुमेन्स डे के अवसर पर सोनाक्षी सिन्हा की एक फ़ोटो है जहां पर उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और इस पहनावे में उनकी जो फ़ोटो है वो बड़ी ही वायरल होते हुए नज़र आ रही है। चलिए बताते हैं आपको पूरी डिटेल में खबर, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आज जागतिक महिला दिन है यानी हैप्पी वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर प्राइम वीडियो डॉट इन यानी Amazon प्राइम वीडियो
वीडियो ने शेयर की है सोनाक्षी सिन्हा की एक फ़ोटो जहां पर उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, हाथ में एक डिजिटल वॉच है और उनका जो किरदार है उसका नाम है अंजलि भाती जी। दोस्तों अब ये किरदार कौन से वेब सीरीज़ में प्ले करने वाली है ये तो नहीं दिखाया गया है, पर ये वेब सीरीज़ जल्द ही आने वाली है और इस वेब सीरीज़ की सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। इस वेब सीरीज़ का कोई टाइटल नहीं है, पर ये वेब सीरीज़ जो है वो टाइगर बेबी और एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैप्शन में ये लिखा है कि टाइम एंड अगेन वुमेन हैव प्रूव्ड दैट दे कैन डू अ लॉट, और असली सोना यानी सोनाक्षी सिन्हा को टैग करते हुए ये कहा गया है कि वो अब ये हमें दिखाने आ रही है जल्द ही। तो अब जल्द ही कब आने वाली है ये तो नहीं पता, पर सोनाक्षी सिन्हा अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही है इस वेब सीरीज़ के साथ। आप कितने एक्साइटेड हैं इस तस्वीर को देखने के बाद वेब सीरीज़ के लिए, ज़रूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।